अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्रार रसम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ लेकर आए, जहाँ पर उन्होंने मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार से ख़िताब करते हुए कुछ ऐलानात किए, जिसके हवाले से एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। बहुत से लोग शायद ये समझने से कासिर हैं कि आखिर उन्होंने ऐलान क्या किया, और ख़ास तौर से बिजली के बिलों के मुतालिक वो क्या ऐलानात करके गए हैं, और आवाम को क्या मिला है और वकला को क्या मिला है। मैंने सोचा कि मैं आप जो कि मैं वहाँ पर मौजूद था, तो मैं ये सारी बातें आपके सामने रख दूँ कि वो किन चीज़ों का ऐलान करके गए हैं। बिजली के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है, बिजली फ्री मिलने के हवाले से उन्होंने वाजा कहा है कि जो बिजली है वो फ्री, तो ये तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी आपको बिजली फ्री नहीं मिलती, और ये जो मुतालबात हैं ये कश्मीर की 73 साल तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं किए गए, तो मेरे हिस्से में आए हैं। तो वो उसके हवाले से उन्होंने वाजे कहा कि ऐसा नहीं होता और ये मुतालबात कहीं पर भी तस्लीम नहीं किए जाते। बिजली के बिलों के हवाले से आखिर वो किन रियायतों का ऐलान करके गए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसमें से सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है कि जो बिजली के बिलों के ऊपर जो सरचार्ज होता है, यानी पिछले 4-5 महीनों से जो बिल ना देने की एक तहरीक है, तो जब आप बिल नहीं देते तो उस बिल के ऊपर एक जुर्माना किया जाता है। वो बिल की अमाउंट के हिसाब से कोई 30-35-40 रुपये वो आपको हर महीने वो जुर्माना आपको बिल के हिसाब से देना पड़ता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि पेएबल डेट ये है और उस पेएबल डेट तक आपका इतना बिल है, अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपका इससे मज़ीद 30-40-50 रुपये जो आपका जुर्माना पर मंथ आपको लगाया जाता है आपके बिल के हिसाब से। तो वो जो जुर्माना है जो पिछले 4-5 महीनों में बिल अदा ना करने की वजह से लगाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि वो मेरे अख्तियार में है, तो वो मैं यक जुम्बिश कलम उस जुर्माने को माफ़ करता हूँ। बिल माफ़ नहीं करता जो 4-5 महीने के, जिसे लोग कह रहे हैं कि बिल माफ़ हुए, बिल माफ़ करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। जो उन बिलों के ऊपर जुर्माना होता है, जो सरचार्ज होता है, उसको उन्होंने माफ़ करने का ऐलान किया है। जो उनका कहना था कि 1.25 अरब या 1.5 अरब रुपया जितना भी आज़ाद कश्मीर का बनता है वो मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बिजली के बिल आपने आवाम ने अदा नहीं किए पिछले 4-5 महीनों में, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि वो आपको अदा करने पड़ेंगे, मैंने डिपार्टमेंट से कह दिया है। हाँ, अलबत्ता ये सहूलत हम आपको उसमें देंगे कि उसको वो आप किस्तों में दे सकते हैं, और किस्त कितनी होगी ये आपकी जेब और आपके हालात के मुताबिक आप जिस तरह चाहें वहाँ पर किस्त करवा लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। लंबी किस्तें करवाएं, छोटी किस्तें करवाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये कोई जल्दी नहीं है। आपकी जो किस्तें हैं वो आपके आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, इस हिसाब से हमने किस्तें करने का मैंने डिपार्टमेंट से कह दिया। तो ये दो जो ऐलानात उन्होंने किए हैं, और इन दोनों ऐलानात के ऊपर जो कामरान तारक एडवोकेट साहब हैं, जो इस सारी तहरीक को, बिजली के बिलात की तहरीक को और अवामी हकूक़ की तहरीक को यहाँ पर लीड कर रहे थे, उन दोनों ने जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने जुर्माना माफ़ करने का ऐलान किया, तो कामरान तारिक साहब ने उसके ऊपर तालियां बजाई। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप एक साथ में ये बिल देंगे, तो फिर भी उन्होंने जो है उसके ऊपर भी तालियां बजाई। एक और जो उन्होंने बिजली के बिलों के रेट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऐलान किया है, उसके हवाले से उनका कहना है कि जो रेट्स हैं वो फ़िलहाल जो रेट्स चल रहे हैं वही रेट्स रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान में हमसे बहुत महंगी बिजली मिल रही है, वहाँ पर 13 किस्म के टैक्सेस हैं, हम सिर्फ एक GST जो टैक्स है वो सिर्फ उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो ये जो बिजली के बिलों के जो रेट्स हैं, बिजली के यूनिट्स के जो रेट्स हैं, इसके हवाले से उन्होंने कहा है कि एक हमारी कमेटी बनी है कैबिनेट की, और एक वफाकी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई है, तो इन दोनों कमेटियों की एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हम अपने बहुत से जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो सारा का सारा हम उनके सामने जाकर रख देंगे, जिसके अंदर फिर रोठोआ हरियाम ब्रिज और फिर ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैली कुंभा जात के मसाइल हैं, और आपके नीलम जेलम सरचार्ज और इस तरह की बातें, बिजली के बिलों की जो बिजली के रेट्स की बातें, ये हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो जब तक हमारी उन दोनों कमेटियों की मीटिंग नहीं हो जाती और वहाँ से हम कोई फैसला नहीं कर लेते, तब तक बिजली के बिलों के अंदर इजाफा नहीं किया जाएगा, बिजली के बिलों के रेट्स के अंदर तब तक इजाफा नहीं किया जाएगा। मतलब अब वहाँ पर अगर डिसाइड किया जाता है कि इसमें इजाफा होगा, वो कहते हैं कि नहीं भाई, आप भी बिजली के जो यूनिट्स हैं आपके वहाँ भी उसी तरह देंगे जिस तरह के पाकिस्तान के दिगर सूबों में किया जा रहा है, तो आपको वैसा करना पड़ेगा। जाहिर है जो कमेटियाँ दोनों बैठेंगे तो वो कुछ ना कुछ डिसाइड करके आएंगी। तो उसके हवाले से भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इसके इन रेट्स के अंदर हम इजाफा नहीं करेंगे, वो कमेटियाँ डिसाइड करेंगी। तो ये जनाब था प्राइम मिनिस्टर के जो ऐलान थे बिजली के बिलों के हवाले से, सिर्फ यही 3 ऐलान थे। इसके अलावा
जो रोठवा हरियाम ब्रिज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर अनवार हक साहब ने जो बात की है वो ये है किया है कि इसके लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो हम जारी कर चुके हैं और जनवरी के वस्त तक हम इसका जो बिडिंग है उसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और मुमकिन है कि फरवरी के अंदर इसकी जो तामीर है कंस्ट्रक्शन है उसको भी उसका अमल भी शुरू हो जाएगा रोठवा हरियाम ब्रिज के हवाले से उन्होंने कहा। और ये जो ब्रिज है अब वो जो स्टील ब्रिज का स्टील स्ट्रक्चर था जो कायम करना था वो उसको नहीं कायम कर रहे, अब हम जैसे कि जिस तर्ज का पुल बना हुआ है उसी तर्ज के ऊपर हम उसको दरमियान का हिस्सा भी मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि उसके पिलर्स के ऊपर खड़ा करके जैसे बाकी ब्रिज है वैसा ही ब्रिज बना देंगे। तो ये जनाब आवाम के लिए उन्होंने इन पैकेजेस का ऐलान किया। बाकी उन्होंने वकला के लिए जनाब उन्होंने कहा है कि जो मीरपुर और जो डड़ियाल के वकला हैं बाहर के लिए इनके लिए वो कॉलोनियों का ने कहा कि ये भी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। फिर वकला के डिस्ट्रिक्ट बारमीरपुर के लिए 30 लाख रुपये का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक दिन के अंदर मैं चेक जारी कर देता हूँ। फिर उन्होंने वकला के चैम्बर्स की बात की गई तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर ये जो इनके चैम्बर्स की गई जगह जो है मुख्तस करके जो इसके ऊपर आपने जो भी करना है वो भी कर लिए जाएँ। और ये कुछ वकला ने बहुत सारे मुतालबात पेश किए थे कि बैंकों के अंदर वकील होने चाहिए फलां फलां चीज़ें, तो वकला को क्या मिला। फिर एक खातून जज के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भी होनी चाहिए एक खातून जज, इसमें किसी तासुब का मुजाहरा नहीं करना चाहिए उनकी सिलेक्शन के अंदर, तो वहाँ के ऊपर एक खातून जज भी होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। तो जनाब आवाम को क्या मिला, वकला को क्या मिला, वो सारी चीज़ें मैंने मोटी मोटी आपके सामने रख दी हैं और बाकी लोगों को तभी समझ आ जाना चाहिए था कि आज का ये जो उनकी खिताब था वो वकला के लिए था और जो ऐलानात थे वो वकला के लिए थे, क्योंकि स्टेज के ऊपर से बार बार ये ऐलान किया जा रहा था कि ये जो फंक्शन है ये वकला का फंक्शन है, तो जो सिविल सोसाइटी के लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो जनाब तशरीफ़ ले जाएं और वकला को कुर्सियां खाली कर दें और वकला को अपनी कुर्सियां जो हैं वो इनायत करें ताकि वो बैठ के, क्योंकि फंक्शन ज़ाहिर है बार का फंक्शन था तो वकला बैठ कर उस बार के फंक्शन को देखेंगे। तो जनाब यही ऐलानात थे, किसी के साथ अपने मेज़बान बयास मुख इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।